वेब सीरीज स्टोरीक्स पर प्रेजेंस हु किल्ड सारा। ये सीरीज 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। सीरीज एक सस्पेंस थ्रिलर है। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपको सस्पेंस थ्रिलर की कहानी देखनी है। इस क्रम में हम हाजिर हैं इस सीरीज़ के साथ। जासूसी की नॉवेल्स में अगाथा क्रिस्टी का नाम सबसे पहले आता है। अगाथा क्रिस्टी ने एक नॉवल में कहा था, हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो वाकई में वो दिखते हैं जो वह हैं। ये कोट कितना सही है ये हमें इस सीरीज़ में पता चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। सीरीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोट पर कुछ लोग दिख रहे हैं। एक तो वीडियो बनाने में लगा है जबकि बाकी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ ड्रिंक कर रहे हैं। इन दोस्तों में एक एलेक्स है, उसकी बहन सारा है, एलेक्स का फ्रेंड रोडोल्फो है और भी उनके साथी हैं। कुछ तो स्विमिंग जानते हैं इसलिए वो पानी में कूद गए, पर सारा को उड़ने का शौक है इसलिए वो पैराशूट के सहारे उड़ी। बोट में सभी ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे थे। इतने में जिस बेल्ट के सहारे पैराशूट बंधा हुआ था वो टूट गया। सारा चीखते हुए पानी में गिरी, उसकी जान वहीं निकल गई। एलेक्स उसे बचाने को पानी में कूदा पर सारा नहीं बच पाई। इन सब बातों को 18 साल हो चुके हैं। एलेक्स इतने सालों से सारा के मौत की सज़ा भुगत रहा है। उसके गुड बिहेवियर पर उसे जल्दी रिहा किया जा रहा है। कल सुबह 8 बजे तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे। उसका लॉयर आज उसे बताने आया है। एक बूढ़ा आदमी अपने ग्रैंडसन ब्रूनो को शिकार करना सिखा रहा है। उसने कहा, मैं अपने ख़ानदान में एक और कायर नहीं चाहता, तुम्हें ये सब सीखना ही होगा। अब अगली सुबह एलेक्स को रिहा कर दिया गया। जब वो बाहर निकला तब उसे बार बार अपनी बहन सारा की आवाज़ सुनाई दी। वो बार बार हेल्प के लिए चिल्ला रही थी पर एलेक्स उसे बचा नहीं पाया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह एलेक्स को ही इस केस में अपराधी करार दिया गया। उसे 30 साल की सज़ा हुई थी पर अब 12 साल पहले ही उसे छोड़ दिया गया है। जब वो अपने घर पहुंचा है तब घर में चारों तरफ झाड़ियाँ और पौधों की लताएं फैली हैं। पिछले कई सालों से यहाँ कोई रहा नहीं। अंदर घुसकर एलेक्स को वो पल याद आए जिसमें वो अपनी माँ के साथ यहाँ था, किस तरह पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई थी। उसे ये भी याद आया कि किस तरह वो सारा के साथ यहाँ की गलियों में खेलता था, दूसरों के घरों के पेड़ों से फल चुराता था। इन सब के बाद वो सारा की कब्र पर भी पहुँचा। यहाँ उसकी माँ की भी कब्र है। उसने यहाँ फूल रखा और रोते हुए अपने फैमिली के साथ बिताए लम्हों को याद किया। कल जब लॉयर एलेक्स से मिलने आया था जेल में तब एलेक्स ने कहा था, मैं उन सब को एक एक लम्हे की सज़ा दूंगा जिसमें उन्होंने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरी बहन को मार दिया, मुझे उसके जुर्म में जेल में डलवा दिया। मेरी माँ की जान भी उन्हीं लोगों ने ली। रोडोल्फो ने मेरी बहन की जान ली थी, अब उसे भी मरना होगा। सारा के पैराशूट की रोप रोडोल्फो ने ही काटी थी। आज एलेक्स ने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ गई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ब्रूनो के दादा सीजर ने अपने बेटे रोडोल्फो को बचाने के लिए किस तरह एलेक्स को मैनिपुलेट किया था। सीजर ने एलेक्स से कहा, मेरे बेटे रोडोल्फो ने हो सकता है गलती की हो, पर अगर वो जेल गया तो मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। तुम भी हमारे बेटे जैसे हो, हमने इतने सालों से तुम्हें अपना समझा है, तुम्हें हमने उसके भाई की तरह रखा है। अब भाई भाई की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। रोडोल्फो का भाई चेमा इन सब के लिए बार बार अपने पिता को रोक रहा था। उसके अनुसार ये ठीक नहीं है। रोडोल्फो की सज़ा भला एलेक्स क्यों भुगते। यहाँ एलेक्स रोया कि भला वो ये गुनाह अपने सर क्यों ले। पर सजार और उसकी पत्नी मरियन ने बार बार दबाव डाला एलेक्स पर और इस तरह एलेक्स को ये सज़ा भुगतनी ही पड़ी। इस फैमिली में आज पार्टी हो रही है एक बिजनेस के सिलसिले में। यहाँ सजार की वाइफ के साथ साथ उसके दोनों बेटे रोडोल्फो और चेमा भी हैं। सजार की बेटी है एलिसा। यहाँ चेमा का बॉयफ्रेंड लोरेंजो भी आया है। चीमा के समलैंगिक होने पर हमेशा सेजार को परेशानी रहती है। सेजार अपने मैनेजर से कह रहे हैं, एलेक्स अब जेल से बाहर आ गया है, उसका बाहर आना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तुम उसकी खबर रखो, हो सके तो उसे मार दो। एलेक्स को एक डायरी में किसी औरत की पेट की भ्रूण की तस्वीर मिली है। यही इमेज उसे फ़ोन में भी मिली है। यहाँ सारा का नाम है। इसका मतलब सारा जब मरी तब वो प्रेग्नेंट थी। जहाँ ये पार्टी चल रही है उस जगह के कैमरे को एलेक्स ने हैक कर लिया है। वो घर बैठा इस पार्टी पर नज़र रख सकता है। वो ये देख रहा है कि सेजार से लोरेंजो की मुलाकात हो रही है। यहाँ पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। इतने में एलेक्स ने अपने आप को ब्रॉडकास्ट करते हुए इस पार्टी के LCD में खुद को जाहिर कर दिया और उसने कहा, 18 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरी बहन मरी थी, मेरी फैमिली तब से तबाह होनी शुरू हुई, पर अब उसका हिसाब लेने का समय आ गया है। इस मैसेज में उसने सेजार के साथ उसकी वाइफ मरियन रोडोल्फो का भी नाम लिया है। उसने कहा है कि उसे झूठ बोलने के लिए फोर्स किया गया और अब वो इन सब का हिसाब लेगा। एलिसा को नहीं पता कि क्या हुआ है। उसने अपने भाई रोडोल्फो से पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है। सेजार अपने मैनेजर के साथ इस इशू से डील करना चाहता है जबकि रोडोल्फो अकेले ही इससे निपटना चाहता है।
पर सेजार ने उसकी बात को नकार दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चेमा ने अपने भाई रोडोल्फो को डांटा था एलेक्स पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, तब एलिजा बड़ी छोटी थी, उसे यहाँ से बाहर भेज दिया गया। वो आज अपने भाई चेमा से पूछ रही है कि आखिर ये एलेक्स है कौन, वो क्यों हमारी फैमिली को धमका रहा है। चेमा ने कहा, ये बहुत पुरानी बात है, रोडोल्फो सारा का बॉयफ्रेंड था, तुम तब बहुत छोटी थी। एलिजा एलेक्स से मिलकर इन सब के बारे में बात करना चाहती है, पर कोई भी उसे पता नहीं बता रहा। कोई ये भी नहीं बता रहा कि आखिर तब हुआ क्या था, किसने उसे मारा था, आखिर ये क्या राज है। रोडोल्फो एलेक्स से घर के बाहर पहुंचा है, उसे याद आया जब वो यहाँ से सारा को पिक करके बाहर घुमाने ले जाता था। इतने में खिड़की से एलेक्स ने देखा, एलेक्स ने उसे इशारा किया कि वो बड़ी जल्दी उसे मार देने वाला है। रोडोल्फो यहाँ से चला गया। इतने में एक अननोन नंबर से एलेक्स को मैसेज आया है, उसने कहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। एलेक्स उसकी लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा है, पर उस शख्स ने वीपीएन का इस्तेमाल किया है। ऐसे में एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा कि आखिर वो शख्स कहाँ से बात कर रहा है, लोकेशन अननोन दिखा रहा है। उस शख्स ने यह भी लिखा है कि वो जानता है कि सारा का खून किसने किया था, वो रोडोल्फो नहीं था, ये सब किसी और ने किया था। ये सब जानकर एलेक्स को हैरानी हुई है। तभी एलेक्स को याद है कि रोडोल्फो तो सारा को खुद ही पानी से निकाल कर बाहर लाया था, वो रोता जा रहा था, उसे बचाने की कई कोशिशें की थी उसने। एलेक्स ये सब याद कर ही रहा था कि किसी ने उसकी खिड़की पर गोली चलाई, शीशे टूट गए हैं। इस गन फायर से खुद को बचाते हुए एलेक्स ने खुद को छुपा लिया। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। इस कहानी में सारा की मौत का राज है क्या, उसे किसने मारा है, रोडोल्फो ने या फिर सेजार ने या फिर कोई और है, उसे मार कर भला किसको फ़ायदा होना था, ये सब हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। ये पार्ट हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर डाला है। हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।